हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके साथ में बुरा जिसने भी किया है, चाहे आपके पर्सन हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे कोई भी है जिन्होंने भी आपको धोखा दी है, चाहे आपकी वर्क प्लेस पर है जिन्होंने चीटिंग की आपके साथ में, लेग पुलिंग की, धोखा दिया, टॉर्चर किया, ठीक है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, कुछ भी आपके साथ बुरा किया है, उसको क्या सजा मिलेगी? तो हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल कृष्णा भगवान है और सेकंड पाइल जो है लॉर्ड शिवा है, ठीक है। जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं वही पाइल आपके लिए है। आप पाइल को चुन लीजिए। आप कृष्णा वाली पाइल को चुनना चाहते हो तो ये वाली, या फिर लॉर्ड शिवा वाली पाइल को लेना चाहते हो तो वो ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चुना है, कृष्णा वाली पाइल को, उसकी हम रीडिंग करने वाले हैं। और जिन्होंने लॉर्ड शिवा को चुना है उसकी हम बाद में रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी चुनी है उसको धोखा देने वाले को क्या सजा मिलेगी? ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ। आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ फटाफट। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स और इधर है इनसिक्योरिटी, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, इधर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। तो चलिए गाइज देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आपको लेकर के। वैसे मैं आप मेरी व्यूअर्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट से ही समझ जाना, क्योंकि और भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो आपसे रेजोनेट होती तो ये भी आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। और मेरे नए व्यूअर्स अगर इसे कनेक्ट हो रहे हैं तो उनसे भी रेजोनेट होगी, क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स के साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं या एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपके साइन कोई भी हो सकते हैं, साइन यहाँ पर मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। ऑल साइन के लिए है क्योंकि हमने पाइल को चुना है, लॉर्ड कृष्णा की पाइल को, ठीक है। तो अभी मैं देखती हूँ कि आपके लिए थर्ड पार्टी ने क्या क्या जोर लगाया आपको बर्बाद करने के लिए, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज कि आपका और थर्ड पार्टी के बीच में काफी संघर्ष रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी है और फैमिली मेंबर्स भी हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने ये पाइल को चुना है उनके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ भी फंसे हुए हैं और थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स भी हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का सहारा बहुत ज्यादा लिया गया है आपको बर्बाद करने के लिए और आपके पर्सन को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई फादर इशू है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर मदर की भी इशू हो सकती है, या फिर आपके जेठ देवर जो भी हैं उनकी इशू हो सकती है, या फिर ननद की। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कोई अदर लेडी भी है इन्वॉल्व जो आपके पर्सन को कंट्रोल करती है इस जादू टोने से,
ठीक है, कुछ खिला पिला कर भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कार्ड भी आया है कि कुछ खिलाते हैं और फिर आपके पर्सन जो है उसी अकॉर्डिंग जो है बात करना शुरू कर देती हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रहस्य छुपा रखे हैं उन्होंने आपके खिलाफ, बहुत साजिशें चलती है थर्ड पार्टी। आप मेरे व्यूअर्स जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, आप थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली मेम्बर से डील कर रहे हैं, वो आए दिन आपके साथ में जो है बहुत बुरा बर्ताव करती है, बहुत टॉर्चर करती है, बहुत सारे सीक्रेट्स उन्होंने छुपा रखे हैं और आपको पता भी नहीं है, आपके खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता और आपके मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें बनाई जाती हैं। आपको बहुत परेशान के तहत है, आपकी रातों की नींद हराम हो रही है। मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में तो आपकी शादी के कुछ दिन बाद का ही नज़ारा नजर आ रहा है, उसके बाद से ही थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के ससुर हो सकते हैं या सास हो सकती है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ चली हैं, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में किया है जादू टोना करवा करके भी, और कुछ लोगों ने कुछ लालच दे करके भी कि हम आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे अगर आपने हमारी बात को नहीं माना। तो आपके पर्सन उनके कंट्रोल में आते चले गए और आपकी रातों की नींद हराम हो गई, सोच सोच कर कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये वही पर्सन है जिसको मैं प्यार करता था या करती थी और मेरे साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता था, लेकिन आज ये कैसे चेंज हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे पर्सन के ऊपर, क्या किसी ने करवा दिया, वाकई में ही करवाया गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा, अभी आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप थर्ड पार्टी को मात देकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर जो भी उनका कर्जा था वो सब आपने उतार दिया है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो पेनफुल साइकिल थी आपने इसको एंड भी कर दिया, कुछ मेरे व्यूअर्स ने एंड भी कर दिया है और कुछ लोगों की अभी एंडिंग की तरफ चल रही है, वो एंड करेंगे, जरूर जरूर एंड करेंगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनको जो है पीछे छोड़ कर के आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस आपने प्राप्त की है। जब से थर्ड पार्टी अपनी चालाकियां चलने लगी हैं, आपके पर्सन आपके खिलाफ गए हैं, आपको समझ आ गया था, आपने अपने जॉब करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपने फाइनेंस पर ध्यान दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया और आप आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, और इस बात का मलाल थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, जिनके फैमिली मेम्बर्स हैं थर्ड पार्टी, ठीक है, और अदर पर्सन है, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है बंदा, और आप जो पाना चाहते हैं ज़िंदगी में आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस प्राप्त करते जा रहे हैं, इस बात का थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख है। बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं आपके खिलाफ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दो सिचुएशन में फंसे हुए थे पहले तो, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये सोच रहे थे कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, यानी कि इस थर्ड पार्टी की तरफ ही रहना चाहिए या मुझे अपना नया रास्ता चुनना चाहिए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस्ड रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप उससे भी बाहर निकल रहे हैं, आपको मिल गई है और आपने इस साइकिल को क्लोज कर दिया है, आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया है अपने कार्मिक के साथ में, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में और अपने पार्टनर के साथ में आपने इस साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, आपकी एक नई साइकिल शुरू हो रही है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ही बहादुरी के साथ आप आगे बढ़े हैं, आपके हौसले बुलंद हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके बुलंद हौसलों के सामने थर्ड पार्टी कहाँ टिक पाती। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी पेशेंस रख लिया था कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हुए हैं, किसी को 7 साल हुए हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहन किया है आपने, लेकिन अभी आप नहीं करना चाहते हैं और अभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपने सक्सेस प्राप्त की है और पहले आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती थी, आप सोचते थे कि मेरे पार्टनर के बिना मैं कैसे आगे जिंदगी में बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, मैं कैसे क्या कर सकता हूं। लेकिन अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफी रिग्रेट भी था आपको कि भाई मैंने इस पर्सन को क्यों चुना अपनी लाइफ में। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि आपको बहुत दुख हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रांग बन गए हैं और आपने एक नया जन्म लिया। मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि डेथ और रीबर्थ, आप स्कॉर्पियो की एनर्जी में आ गए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यानी कि आपने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ गए हैं, इसका मलाल थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी ने बहुत दांव पे चलाए, आपको रोकने की कोशिश की कि आप आगे ना बढ़ पाएं, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ना प्राप्त करें, लेकिन मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी संघर्ष के बाद आप बाहर निकले हैं और आप बखूबी अपने आप को स्टैंड कर पाए हैं उनके सामने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इस बात का थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और वो आपके ऊपर साइकिक अटैक करती
करती रहती है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव छोड़ती रहती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो रात दिन जो है वो यही सोचती है कि आप आगे ना बढ़ पाए, आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा सोचती रहती है थर्ड पार्टी, ठीक है। और आपके पर्सन को भी आपसे बहुत ज्यादा जेलसी है। लेकिन गाइस मैं बता देना चाहती हूँ कि उनको उनका कर्मा तो मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपने थर्ड पार्टी को उनकी असली जगह दिखाई है, थर्ड पार्टी को मात दी है और मात देकर आप आगे बढ़े हैं। इसमें मुझे ये बात की बहुत खुशी हो रही है कि जिसने आपको हराने की कोशिश की थी, वो खुद ही हार गए हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के बंदे हैं, आप गॉड के बंदे हैं और एक पावरफुल सोल हैं। तो आप उनके बस पे कहाँ आने वाले थे, पहले आपने अपनी पावर को पहचाना नहीं था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं और इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात का दुख थर्ड पार्टी को बहुत है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट जर्नी पर हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप इतने पावरफुल सोल होने के बाद में वो आपको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन पहले आपको इनका अंदाजा नहीं था, अपनी पावर का अंदाजा नहीं था, लेकिन अभी आपको गॉड की तरफ से कुछ विजन्स दिख रहे हैं या फिर कोई जो है डाउनलोड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको बहुत ज्यादा दुख है, जो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है उसको भी बहुत ज्यादा दुख है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ गए। अब आपको ये नहीं कि आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पर्सन कहीं जाए भाड़ में। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस प्राप्त करनी है और अपनी जिंदगी को सुनहरा बनाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, अपना एक घर बनाना है, अपना परिवार बसाना है। और इसकी नॉलेज आपको यूनिवर्स से मिलती रहती है, टाइम टाइम पर आपको गाइडेंस मिलती रहती है। तो अदर पर्सन जो थर्ड पार्टी है उसको दुख यूं हो रहा है कि इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है इसका पार्टनर, फिर भी ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है, इस बात का भी दुख है उनको, ठीक है। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरे बिना तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है मेरा पार्टनर, लेकिन उसको इस बात का दुख हो रहा है कि ये कैसे बढ़ गया आगे, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा सोचते थे कि भाई ये मेरे बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, लेकिन अभी उसको दुख हो रहा है कि ये कैसे मेरे बिना आगे बढ़ गए, इसने तो आगे अपने कदम बढ़ा लिए हैं, अभी ये पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। अब थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है, आपके पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि दमे जैसी शिकायत हो रही है थर्ड पार्टी को, या आपके पर्सन को भी हो सकती है। मैं कॉमन बताऊंगी, हर्ट की प्रॉब्लम थर्ड पार्टी को ज्यादा दिखाई दे रही है, घुटनों में पेन हो रहा है और एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी शिकायत हो रही है, रातों को सो नहीं पा रही है थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है वो, उसको चिंता हो रही है कि ये पर्सन जब अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को छोड़ सकता है तो तुझे भी कभी भी छोड़ सकता है। इसको टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, अब उसको जो है इनसिक्योरिटी हो रही है, थर्ड पार्टी अदर पर्सन है उसको भी इनसिक्योरिटी हो रही है। फैमिली मेंबर्स जो है वो वैसे परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को इसलिए कंट्रोल करते थे कि आपको दुख दिया जा सके, अब आप उनके चंगुल से बाहर निकल गए तो आपके पर्सन उनको जो है अब दुश्मन लगने लग गए हैं, अब वो दुखी हो रहे हैं, अब उनकी आपस में नहीं बन रही है, अब उनकी शांति भंग हो रही है। तो इससे अच्छी बात और क्या है, इससे बड़ा कर्मा क्या मिलेगा कि जब वो आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बाहर बहुत अच्छा दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ, मेरी फैमिली के साथ में सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को भी कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आपके पर्सन को हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो या हेल्थ इश्यू हो, बहुत ही ज्यादा जो है सफर कर रहे हैं उससे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ केसेस में। तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस प्राप्त करना है। जिस तरह से आप इसके चंगुल से निकले हैं, थर्ड पार्टी के चंगुल से, अपने पार्टनर के चंगुल से, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। आपकी गुड रक्षा करे, मैं तो यही प्रे करती हूँ। तो ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई है और आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लिखा हुआ उसको प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना गाइस, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उसकी हम रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके साथ बुरा करने वाले को क्या सजा मिलेगी। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट कार्ड, ज्यादा देर नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। बॉटम ऑफ द डेक है सर्विस, ग्रीफ,
सारे कर्मा के कार्ड मिल रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए इनसे बाद में निपटते हैं। बॉटम ऑफ डेक है सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। देखिए पहले आप मेरी व्यूअर्स के बारे में बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। आप मेरी व्यूअर्स के साइन कोई भी हो सकते हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर जो है लिब्रा हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी के भी हो सकती है, ठीक है। साइन यहाँ पर मायने नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपने पाइल को चुना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइज की आप बहुत ज्यादा गॉड को मानने वाले बंदे हैं, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखने वाले बंदे हैं। आप एंजल्स को भी मानते होंगे और एंजल्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस भी मिलता होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी फिलहाल जो है सिंगल हैं और अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में ही रह रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते, हो सकता है कि आपने कोई यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका अपना एक हैप्पी संसार है, अपना खुशियों भरा संसार है, अपने बच्चों के साथ में एक हैप्पी फैमिली बना रखी है। आपके पर्सन से अलग होकर के आप अकेले रहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपको मिला है, उनकी फैमिली की तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। अभी आप जस्टिस मांगना चाहती हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, इसी वजह से सारी दिक्कतें आ रही थी। आप देते रहते थे, आपके पर्सन और उनकी फैमिली रिसीव करती रहती थी, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप अपने आप में झांकते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं कि ये मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी किसी ने कदर नहीं की, आपकी फैमिली मेंबर्स यानी कि आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप इतने अच्छे बंदे, सबकी केयर करने वाले, सबकी परवाह करने वाले, आप अपने पार्टनर के फैमिली मेंबर्स की आपने बहुत ज़्यादा जो है सेवा की है, बहुत ज़्यादा केयर की है, अपने पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा सेवा की है, बहुत केयर की है, टाइम टाइम पर आपने काफ़ी सपोर्ट दिया है उनको, हर तरह से जो है सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्टेबल पर्सन है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पास में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, या तो आपके फैमिली मेंबर्स के पास में काफी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से आपने उनको हेल्प किया है, ठीक है। आपके पर्सन को आपने काफी हेल्प किया है, उनके फैमिली को काफी हेल्प किया है, लेकिन आपको क्या मिला? रिजेक्शन ही रिजेक्शन। हो सकता है कि आपका कास्ट या रिलीजन इश्यू हो सकता है, या फिर स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से आप लोगों में दिक्कत आ रही है। मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आप अपनी कीमत को पहचान गई हैं अभी, कि इनके कहने से मैं अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनके चाहने से ना चाहने से मेरी जिंदगी थोड़ी रुक जाएगी। आपने अपनी अपनी कीमत को पहचाना है, अपने लिए स्टैंड लेने लगी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने आपके साथ बहुत धोखा किया है, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत धोखा किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के, यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके कलीग्स वगैरह ने, उनके बॉस ने भी आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ज्यादा धोखा किया है, आपसे जो है बहुत काम करवाए, लेकिन आपको उतनी पेमेंट नहीं मिली। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि गाइस की आप सारे दिन लगे रहते लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ही ले जाता, मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है। तो आप हर तरह से जो है दुखी रहे, लेकिन आप अपनी लाइफ में आप बैलेंस बना करके आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का जो है लोगों को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आपको कदम कदम पर चीटिंग धोखे का सामना करना पड़ा है। आपके पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके फैमिली पार्टनर के फैमिली मेंबर्स ने आपके पर्सन के का ब्रेन वॉश किया, और जिससे आपको बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। आपके पर्सन दो दिन चार दिन आते फिर चले जाते, फिर दो दिन चार दिन आते फिर चले जाते, आपकी एनर्जी सक करके फिर चले जाते। उसको बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उनको जो है आपसे अट्रैक्शन अटैचमेंट फील होता है, आपकी फिजिकल ब्यूटी पर वो मरते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और वो बाकी के टाइम जो है अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन आपको इतने अहमियत भी नहीं देते हैं, लेकिन टाइम टाइम पर वो आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस कि अभी आपको जस्टिस चाहिए, और जस्टिस मिलेगा भी, और आपको मिल भी रहा है जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से। आप इतने अच्छे बंदे हैं, दूसरों की केयर करने वाले, आप गॉड पर ट्रस्ट करने वाले हैं, तो आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं होगा? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, शुरू भी
हो गए हैं जस्टिस और अभी आगे भी जस्टिस आपके साथ में होगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में जिन्होंने भी बुरा किया है ना, उनको दुख तो मिल रहा है। आप चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके पर्सन हैं, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा हेल्थ खराब दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अगर अपने फैमिली में रहते तो उनके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ यहाँ पर खराब नजर आ रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन 3 भाई बहनों, हो सकता है कि 2 भाई बहनों, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही दुख में है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लाइफ में तो थर्ड पार्टी में से कोई चला भी गया है, अपना कोई उनका अपना कोई चला गया, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में यूर्स की लाइफ भी किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिला है। आप अकेले हैं, आपके मदर फादर तो आपको छोड़कर चले गए हैं, किसी की मदर किसी के फादर, और आपको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेटिव्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब थर्ड पार्टी को तो बहुत दुख है आपका, और क्यों आगे बढ़ रहे ऐसा सोच रहे हैं। यहां पर उनको यह भी पता चल गया है कि किसी ने किसी की तरफ से तो गाइडेंस इनको मिल रहा है, इसी वजह से ये बंदा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर उनकी मदर को हो सकता है या उनकी सिस्टर को हो सकता है कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू है। यहाँ पर घुटनों में दर्द, आंखों में प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है सफर कर रहे हैं वो हेल्थ इश्यू से। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग सोलमेट भी हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर रनर चेजर वाली भी कहानी रही है कि आपके पर्सन भागते रहे, आप उनके पीछे भागते रहे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाएं, काफी टाइम वेट कर लिया है, आप काफी रातों को सोए नहीं है, सोचते रहते थे कि ये सब ठीक कब होगा, लेकिन अभी आपने मजबूती के साथ में अपने लिए स्टैंड लिया है, बोल्ड बन करके आप स्ट्रांग बन करके आगे बढ़े अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है। आप अपनी लाइफ को सही तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि अपने पेंटिकल्स को मैनेज करके चल रहे हैं, अपने फाइनेंस को ध्यान से यूज कर रहे हैं, किसी का लेना देना था वो भी आप जो है कंप्लीट करते चल रहे हैं, अब किसी का लेना देना भी बाकी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे टॉक्सिक लोगों को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे जो आपको सर्व नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से और उनके फैमिली मेंबर से आप मूव ऑन कर चुके हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को L4-L5 की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या तो आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को, या फिर कैंसर जैसी समस्या भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, या तो आपके कलीग्स वगैरह को, बॉस वगैरह को, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। दमे जैसी भी समस्या मुझे नजर आ रही, क्योंकि फर्स्ट फाइल में भी ये मुझे वाइब्स आई थी और अभी भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। किसी को बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और उनको वो खुशी, वो जो नेम फेम जो पहले कभी मिला करती थी, वो यहाँ पर नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग उनको खरी खोटी सुना रहे हैं, लोग उनको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास के लोग भी जो आपका फायदा उठाते थे, उनको भी आंखें खुल गई हैं, वो भी अभी आपको कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से वो अभी आपको कुछ बोलते नहीं है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है कि ये बंदा कैसे आगे बढ़ सकता है। ऐसा लोगों को दुख भी हो रहा है आपको करके, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, जो भी जिसके साथ बुरा करता है शनिदेव उसको नहीं छोड़ते हैं, कर्मा तो सबको भोगना पड़ता है, चाहे फिर वो अमीर है चाहे गरीब है। ऐसा नहीं है, अगर अमीर को जो है सारे सुख मिल जाए तो फिर गरीब को कौन पूछता है भाई, भगवान तो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप ये सोच रहे हैं तो फल फूल रहे हैं, उनको तो खुशियां मिल रही है, ऐसा नहीं है। भगवान एक बार सबको ऊपर उठाता है, फिर नीचे पटकता है ना, तब लगती बहुत ज्यादा है। चने के झाड़ पर तो चढ़ाता है एक बार ताकि इसको खुशी मिले, लेकिन जब उसके कर्मा ओवर हो जाते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने भांजे को 100 गाली देने पर माफ कर दिया था, और 101 वाली गाली जब उसने दी श्री कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने अपने चक्र से उसकी डेथ कर दी थी। तो इसी तरह से शनिदेव भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, गॉड यूनिवर्स सब कुछ देख रहा होता है। जो जिसके साथ बुरा करता है उसको उसका कर्मा जरूर भोगना पड़ता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।